हरिओम तत्सत। यह वीडियो आज उनके लिए है जो कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है, या भगवान का भजन करने से क्या फायदे हैं। तो आज ये दोनों चीज पर हम थोड़ी सी 10 मिनट चर्चा करेंगे आपके साथ। देखिए, जो कहते हैं ना भगवान के भजन के लिए समय नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन का जो ये कीमती समय है वो गुजर किस में रहा है, यही भोग वासना में, यही कागज के टुकड़े बटोरने में, दो पैसे बटोरने में, छल प्रपंच में, क्या एक दूसरे के निंदा करने में समय गुजर रहा है, या बैठ करके घंटों आप गप करते हैं, या दारू पी करके, या नशा व्यसन करके आप उसमें न जाने कितना समय बर्बाद करते हैं, और तब कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। लानत है उस जिंदगी का जिस जो कहता है कि भगवान के भजन के लिए समय नहीं है। दुनिया में हर काम के लिए समय मिल जाता है और 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के भजन के लिए नहीं समय मिलता है, तो ये जिंदगी जीना एक जानवरों से कम नहीं है, जानवरों से भी बढ़ करके यह जिंदगी है। कि आप भगवान का भजन करने के लिए 10 मिनट समय नहीं है, आप घर से निकलते हैं 2 मिनट भगवान का पूजा करके जो है नहीं निकल पाते हैं क्योंकि समय नहीं है, लेट हो रहा है। अरे लेट क्या हो गया, किस चीज़ में लेट हो गया, ये कौन सा तरीका है? आपको स्नान करने में नहीं हुआ लेट, टीवी देखने में लेट नहीं हुआ, बच्चों के साथ खेलने में समय जो है नष्ट नहीं हुआ, लेकिन भगवान का भजन करने में समय नष्ट हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं, 8 घंटे की जगह 7 घंटा सो जाओ, 5 घंटे की जगह आप 4 घंटा सो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि आप कम सोएंगे और भगवान का भजन करेंगे तो शायद और ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर और निखार आ जाएगी। मेरे प्यारे, मेरा निवेदन, मैं आपका चरण वंदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप जीवन में प्रतिदिन 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट समय निकालिए। अब आप बोलेंगे कि भगवान का भजन करने से फायदे क्या हैं? अरे भाई, इतना सारा चुगली, इतनी सारी निंदा, अनावश्यक गप सप करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सब चीज़ के लिए समय मिल जाता है और भगवान के भजन करने के लिए समय नहीं मिलता है। और तब आप बोलते हैं कि भगवान का भजन करने से क्या फ़ायदा? अरे हर चीज़ में फ़ायदा देखने वाला आदमी जीवन जीने का कायदा भूल जाता है। जरा सा एक बार भजन करके तो देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक बार आप भजन करके देखिए, कुछ फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं फ़ायदा मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। आज तक इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको भोग से मन भर गया हो, इस संसारिकता से, इस पैसे से, इस महल से, इस चीज़ों से जो है शादी करने से, बच्चे पाल, किसी का मन भर गया हो तो आप बता दीजिए इतिहास। आज तक किसी का मन है कि मानता नहीं, मन किसका भरा, मन किसका भरा, मन भरा संतों का। संत कौन? जो संतोषी है। ये मार्केट में बैठे हुए बाबा लोग संत नहीं हैं, ये तो पैसा कमाने के लिए व्यापारी हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, अपने फॉलोअर्स जुटा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, नेताओं को एक आश्रय दे रहे हैं। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े बाबा हैं सब पे नेता सबसे ज़्यादा जाते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो दिखावा है। आदमी इन दिखावे करने वाले बाबाओं के चक्कर में ही तो पड़ते हैं ताकि ये भी बता सकें कि हम फलाने के शिष्य हैं। अरे भैया, गुरु बनना बहुत आसान है लेकिन शिष्य बनना बहुत कठिन है। फिर आप बोलेंगे कि भगवान का भजन, तो एनीवे इन सब चीज़ को छोड़ करके भगवान का भजन करने का सबसे सरल उपाय बता रहे हैं कि जब भी आपको समय मिले 24 घंटा में 10 मिनट हरि ओम 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 हरि हरि, हरि ओम हरि ओम 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 हरि हरि, 10 मिनट आप जपिए रामायण गीता, आप खुद से पढ़िए, इन बाबाओं के प्रवचन में बिल्कुल ना पढ़िए, जहाँ आत्मसंतुष्टि मिले वहाँ जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये ठग हैं। लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़े कि जब भगवान का भजन करेंगे ना तो जीवन में जो पाप कर्म आप किए हैं, कभी जाने अनजाने, चाहे वो किसी भी तरह से जो आपने पाप कर्म किए हैं ना, वह आत्मग्लानी आत्मगौरव में बदल जाएगा, वासना उपासना में बदल जाएगी, क्रोध करुणा में बदल जाएगा, आपका मरण स्मरण में बदल जाएगा। जो आप अभी चाम में प्यार करते हैं ना कि फलाना बहुत अच्छा है, फलानी बहुत अच्छी है, ये चाम दृष्टि राम दृष्टि में आपकी बदल जाएगी। आपके हर काम में राम नज़र आएंगे, हर व्यक्ति विशेष में, हर व्यक्ति के हृदय में प्रभु भगवान वासुदेव नज़र आएंगे, हर बच्चे में जो है कृष्ण कन्हैया नज़र आएंगी। जो आप वासना से पीड़ित किसी महिला को देखते हैं उसमें आपको राधा रानी प्यार नज़र आएगा, वासना नहीं उपासना आएगी,
संभोग की इच्छा नहीं होगी, समाधि की इच्छा होगी। आप करके तो देखिए, आप किसी पुरुष के प्रति आसक्त होते हैं ना, उस पुरुष में आपको कृष्ण दिखाई देंगे, कन्हैया दिखाई देंगे, फिर आपको संभोग की इच्छा नहीं होगी, समाधि की इच्छा होगी, वासना की इच्छा नहीं होगी, उपासना की इच्छा होगी। भोजन करने के पहले भजन करने की इच्छा होगी कि 10 मिनट हम भजन कर लें। एक बार भजन की शुरुआत करके तो देखिए, संकट विकट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जीवन में ये संकट विकट अनेकानेक परेशानी आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। उस ब्रह्मांड नायक पूरे दुनिया को चलाने वाले, उसको हम लोग क्या समझते हैं? ये संसार के छोटे मोटे जीव जिनकी जिंदगी 50-100 साल भी नहीं है, और इस करोड़ों अरबों साल से चल रही है दुनिया, उस परम शक्ति परम आराध्य परम पिता परमात्मा के जो है सानिध्य में आप रह करके तो देखिए, कुछ दिन आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। हर परिस्थिति में आपकी मन स्थिति अच्छी रहेगी, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपकी मन स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। भगवान की भक्ति करके तो देखिए, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी चिंता तनाव इत्यादि आपके अंदर नहीं आएगा। हाँ, लोक व्यवहार में आप दिखाने के लिए सब कुछ करते रहें, लेकिन अंदर में प्रसन्न आप जरूर रहेंगे। एक बार भगवान का भजन करके तो देखिए, मेरा निवेदन तो मान करके देखिए, मैं आपका चरण पकड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ? धन दौलत काम धंधा सब करते रहे, मैं मना कहीं नहीं कर रहा हूँ। भोग वासना इतने सब चीज़ आप कीजिए, मैं मना कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं निवेदन इतना कर रहा हूँ कि 24 घंटा में 24 मिनट समय खुद के लिए दीजिए, भगवान के लिए भी नहीं, खुद के लिए दीजिए। आपकी खुद की समृद्धि होगी, आप खुद सुखी होंगे। दुनिया को छोड़िए, दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहेंगे आप मस्ती में। हर परिस्थिति में खुश, हर समस्या में आपको एक समाधान दिखेगा। कीजिए तो भगवान की भक्ति, आपका मरण मरण नहीं होगा। लोग मर जाते हैं तब दुनिया वाले चिल्लाते रहते हैं, राम नाम सत्य है राम, जीते जी कोई बताता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में एकमात्र सत्य है राम नाम, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन दिक्कत यह है कि जीते जी हमें ये कोई बताता नहीं है, मरने के बाद जब हम सुनने के काबिल नहीं रहते हैं तो सब लोग बताते रहते हैं कि भैया ये राम नाम सब सत्य है, सबका यही गत है। भैया जब सबका यही गत है तो अभी से थोड़ा गति पकड़ लो, 10 मिनट का 15 मिनट का भगवान का नाम जप लो, फिर से एक बार पुनः पैर पकड़ करके आपका चरण बंदन मैं करता हूँ। आचरण आपका चरण नहीं, आचरण आपका सुधर जाएगा। आप भगवान का भजन करना तो सुनिए भाई, राम में और रम में कितना अंदर है। राम राम करके आप किसी मंदिर के दरवाजे पर माथा टेकते हैं ना, तो समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है, आपको आत्मा की खुशी मिलती है, आपको प्रसन्नता मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और रम पी करके नाली के कीड़े के तरह उस नाला में जब आप गिरते हैं तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी जाती है, आपकी जो है बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, और क्या मिलता है? इसीलिए ये अंतर है भगवान के भजन करने वाले में और संसार के भोगों को भोगने वाले को। भोग में आसक्ति नहीं, योग में आसक्ति होनी चाहिए। संसार भाग छोड़कर भागने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप जो काम करते हैं उसमें भगवान को समर्पण करते हुए चलिए, भगवान को सौंप दीजिए। सौंप दिया यह जीवन प्रभु तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। हार गए तो भी खुश, जीत गए तो भी खुश, जीते तो उसकी वाहवाही, हारे तो अपनी कहीं गलती और उसका कोई सबक, कोई प्रारब्ध होगा। कोई दुख संकट आए तो प्रारब्ध समझ करके उसको भोग ले, अपना पाप कटेगा। भगवान का भजन करेंगे तो कोई गाली देगा तो भी आप खुश रहेंगे, और ताली देगा तो भी खुश रहेंगे, आप अमान हो जाएंगे, सम्मान में भी खुश और अपमान में भी खुश। हाथी देख करके लोग, कुछ लोग प्रणाम करते हैं और पीछे कुत्ते भोंकते भी रहते हैं, बच्चे पत्थर भी मारते रहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मस्त चाल से चलते रहता है। ये भगवान के भक्त की पहचान है, वो हाथी के तरह मस्त जो है मतवाला, बेपरवाह होकर के जीवन, लापरवाह नहीं बनेंगे आप, बेपरवाह हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति के सामने ये धन दौलत ये सुख सब तुच्छ है। बस मेरे प्यारे,
मेरे आत्मीय, मेरे शुभचिंतक, यदि जरा सा भी 1% भी मेरे ऊपर विश्वास है, नहीं विश्वास है तो भी आप कीजिए तो भगवान का भजन। भगवान का भजन करके 6 महीना साल भर देखिए तो सही। हाँ, कंडीशन एक है, भगवान से कुछ मांगिएगा नहीं। एक छोटा बच्चा माँ से कुछ मांगता नहीं है, लेकिन उस छोटे बच्चे की हर ज़रूरत माँ को पता होता है। तो आपकी हर एक ज़रूरत भगवान को पता है, भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांग करके मांगने वाला तो छोटा होता है, क्षुद्र होता है, नीचा होता है, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप तो दीजिए, आप बड़ा बनिए। समय दीजिए 10 मिनट का भगवान को, अपने को मांगिए कुछ नहीं, फिर देखिए आपका जीवन सुखमय नहीं हो गया तो आप जो है कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत आज से ही कीजिए। आज आपने सुना, आज से ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 10 मिनट बैठ करके ध्यान ही कर लीजिए। मन में राम 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 राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जो आपको अच्छा लगे, राधा राधा राधा, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, किसी एक को पकड़ लीजिए और उसको अनवरत अनंत बार दोहराते चलिए। बस 10 मिनट, ये मेरा निवेदन स्वीकार कीजिएगा और इसको जीवन में ज़रूर उतारिएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।